सी आज हम लोग जो क्लासेस पहले कर चुके हैं उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं और इसके बाद फिर आगे जाएंगे, राइट। तो ये समझो ये न्यूरॉन का न्यूरॉन है और ये डेंड्राइट है और इसे इतना पोर्शन हमने कट कर दिया, राइट, ये कट किया और दिस इज लाइक दिस। और इसमें ही हमने एक्शन पोटेंशियल के ग्राफ को बनाया, एक ग्राफ है उसको बनाया, राइट। तुम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं दिस इज रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है, दिस इज -60 थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कितना, -60 और दिस इज एक्शन पोटेंशियल कितना, +20 अब देखो क्या समझने की कोशिश करो, यहां पर जो है वो एक तुम्हारा है, ये सोडियम पोटेशियम एथिक्लेज, राइट। उसके बाद एक यहां पर है पोटेशियम, पोटेशियम लीकेज, राइट। और चूंकि सेल के भीतर निगेटिवली चार्ज आयन ज्यादा देता है इसी वजह से जो है यहां पर तुम्हारा निगेटिव चार्ज भीतर और ये पॉजिटिव चार्ज बाहर बनता है और इसको अगर मेजर किया जाए तो यही रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट होता है, राइट, -70 मिलीवोल्ट होता है। अगर यहां पर किसी ने टच किया मीन अगर दिस पॉइंट पर टच किया तो यह टच करता है वहां पर मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल होता है। तो यहां देखो ये मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल है, इसको टच किया, टच करने की वजह से सम कंफर्मेशनल चेंज हुआ और ये कंफर्मेशनल चेंज होने की वजह से जो मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल है वो खुला, मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल खुला, बाहर में सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सोडियम भीतर की तरफ आएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज भीतर की तरफ आएगा। पॉजिटिव चार्ज भीतर आने का मतलब हुआ, याद देखो ये पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगा, अगर ये पॉजिटिविटी -60 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाए तब तो मिरेकल होगा, लेकिन अगर नहीं पहुंचता है देन अगेन इट विल कम बैक, राइट। अगर सपोज दैट यहां पर जो मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल था उतना देर तक खुला कि सोडियम जो है ज्यादा एंट्री कर गया और सोडियम की ज्यादा एंट्री करने से ये पहुंच गया कहां पर, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, अगर ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर पहुंच गया, ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कितना होता है -60, राइट। अगर ये -60 मिली वोल्ट पर पहुंच गया तो एक मिरेकल होगा, मिरेकल क्यों होगा, क्योंकि यहां पर एक दूसरा चैनल है जिस चैनल का नाम है, ये दूसरा चैनल है जिस चैनल का नाम है वोल्टेज, ये तो सारा कलर से भी आ रहा है, अब ये देखो ये है वोल्टेज गेटेड, ये चैनल का नाम है, इसका ये नाम है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल -60 मिली वोल्ट पर इमीडिएटली खुल जाता है, राइट। दूसरा एक और चैनल है जिसका नाम है दैट चैनल नेम इज वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, ये देखो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, ये है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, ये समझने को, ये वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल है, ये दोनों चैनल जो है एक ही साथ खुलते हैं, राइट, बट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल फास्ट एक्शन है और उसको 0.5 मिली सेकंड लैग के बाद
वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुलता है। तो ये देखो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल गया तो यहां मिलियंस ऑफ सोडियम का जो है वो एंट्री होता है, और मिलियंस ऑफ सोडियम का एंट्री का मतलब ये हुआ कि ये जो है ये जो जो पोलराइज था ये पोलराइजेशन जो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ ज्यादा बढ़ता है, मतलब पोलराइज से ये डीपोलराइज। तो दैट्स व्हाई ये प्रोसेस जो है डीपोलराइजेशन कहलाता है। जब ये माइनस प्लस 20 मिली वोल्ट पर पहुंचता है तो ये चैनल बंद हो जाता है और ये जो है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल का एक्शन शुरू हो जाता है। इसके एक्शन शुरू होने की वजह से चूंकि भीतर में पोटेशियम ज्यादा है तो पोटेशियम बाहर की तरफ निकलता है। पोटेशियम बाहर की तरफ निकलने का मतलब हुआ पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ निकलना, और पॉजिटिव चार्ज बाहर के निकलने का मतलब हुआ ये जो है ऐसे आगे रेस्टिंग पोटेंशियल पर पहुंचता है, राइट, रेस्टिंग पोटेंशियल पर पहुंचता है। तो चूंकि ये दोबारा रिपोलराइज हो रहा है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिपोलराइजेशन बोला जाता है। अब देखो मैंने आप लोग बताया है कि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल जो खुलता है डीले से ना वो बंद भी डीले से होता है। तो बंद भी डीले से जब होता है तो ये देखो पोटेशियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल जो है -85 मिलीवोल्ट होता है, राइट, पोटेशियम में इक्विलिब्रियम पोटेंशियल -85 मिलीवोल्ट होता है। तो ये जो है ना इक्विलिब्रियम पोटेशियम को अटेन करना चाहता है, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल को अटेन करना चाहता है और ये -80-82 के आसपास आता है, उसके बाद जो है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल बंद हो जाता है। और ये जब बंद हो जाता है देन ड्यू टू एक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएच अगेन जो है ये अपना रेस्टिंग पोटेंशियल को अचीव कर देता है, रेस्टिंग पोटेंशियल को अचीव कर देता है। तो ये क्योंकि ज्यादा पोलराइज हुआ इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइज। क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर। हमने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये देखो ये जो तुम्हारा ये वोल्टेज गेटेड सर पहले जैसे फिर फिल सेलेक्ट, ओके पहले जैसे फिर फिल सेलेक्ट और देन ये वाला, यस ओके। तो ये देखो ये जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, सोडियम चैनल नॉट पोटेशियम, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, इसमें जो है ये जो है मेम्ब्रेन के मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लगा हुआ, ये बाहर की साइड है आउटर साइड और ये भीतर की साइड है, राइट। तो एक ये गेट जो है ये यहां पर देखो दो तरह का गेट होता है, एक गेट को कहते हैं एक्टिवेशन गेट और दूसरा गेट को कहते हैं इनएक्टिवेशन गेट। रेस्टिंग पोटेंशियल के समय पर क्या होता है, एक्टिवेशन गेट खुला होता है कि इनएक्टिवेशन गेट खुला होता है, इनएक्टिवेशन गेट खुला होता है और एक्टिवेशन गेट क्लोज होता है। तो दिस इज सिचुएशन फॉर रेस्टिंग पोटेंशियल एंड दिस इज सिचुएशन फॉर वन एंड दिस इज सिचुएशन हियर फॉर वन, राइट। अब उसके बाद क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग दैट जैसे यहां पर आपने वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को खोलने का कोशिश किया ड्यू टू एट -60 मिलीवोल्ट थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, सो व्हाट हैपेंड दैट सी हियर व्हाट हैपेंड हियर दैट वोल्टेज गेटेड जो सोडियम गेट खुलना शुरू होगा एक्टिवेशन गेट और ये इनएक्टिवेशन जो है वो बंद हो रहा है, यानी दोनों खुला हुआ है, इसीलिए सोडियम का एंट्री जो है हो जाता है, खूब मिलियंस ऑफ सोडियम एंट्री हो जाता है। तो ये कंडीशन ये वाला दो ये पूरा यहां से यहां दो तक दो फॉलो करेगा, राइट। तीसरे में क्या होता है व्हाट हैपेंस दैट थर्ड वाली कंडीशन में इसी ईयर ये जो है तीसरे वाले कंडीशन में ये तुम्हारा इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाएगा और एक्टिवेशन गेट ओपन हो जाएगा, राइट। तब भी क्या हुआ दिस विल नॉट कम जाएगा सोडियम यहां भीतर नहीं जाएगा। तो ये कंडीशन जो है ये तीन नंबर जो कंडीशन है वो यहां होता है, राइट। ये हम बोल रहे हैं बस पता चले और फिर यहां से यहां तक होता है और फिर यहां आने के बाद फिर ये चार नंबर यहां कंडीशन आता है और चार नंबर कंडीशन में क्या होता है What is happening that activation gate again closed and inactivation gate open. So like that, ये four number situation हुआ। तो ये voltage gated sodium channel इस तरह से act करते रहता है। एक बात ध्यान रखना है कि जो voltage gated potassium channel है, उसमें दो-दो gate नहीं है, उसमें single gate है।
गेट है, लेकिन ओनली प्रॉब्लम ये है उसमें कि वो थोड़ा लिटिल डिले खुलता है और लिटिल डिले से बंद होता है। अच्छा, यहां से चूंकि आपने यहां स्टिमुलेशन दिया था, यहां से और यहां तक का जो टाइम है, ये टाइम ये पूरा का पूरा टाइम, इसको रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं, राइट। इस टाइम को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव पीरियड। मतलब ये पूरा एक सर्किट चलने के लिए जो पूरा होता है उसको रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं। रिफ्रैक्टिव पीरियड दो पार्ट में बांटा गया और ये सेल टू सेल वैरी करता है, राइट। जैसे हार्ट का रिफ्रैक्टिव पीरियड का जो टाइमिंग होगा एब्सोल्यूट और रिलेटिव, और जो न्यूरॉन का होगा उसमें डिफरेंट होगा। एनीवे, अब देखो एक रिफ्रैक्टिव पीरियड ये कहलाता है, यहां से यहां, यहां से यहां, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड का मतलब हुआ आप कुछ भी कर लो, वट एवर स्टिमुलस यू विल गिव, देयर विल नॉट अगेन एक्शन पोटेंशियल, दैट टाइम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। और यहां से यहां ये टाइमिंग, अगर यहां कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, कुछ स्पेशल किया जाए, मतलब क्लोरीन को जो है थोड़ा ट्रीट कर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, तो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट या है स्टिमुलस देयर पर अगेन जो है वो एक्शन पोटेंशियल अटेन कर लेगा। सो दैट टाइमिंग जिसमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देने पर फिर से एक्शन पोटेंशियल, उसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। अब इसके एग्जांपल के रूप में हमने तुम लोग बताया था, याद करो कि एक हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल बताया था कि बहुत स्मार्ट हस्बैंड है, राइट, और उसके वाइफ का रिफ्रैक्टरी पीरियड 4 दिन का है, राइट। तो उसको कहीं बाहर जाना होता है घूमने फिरने, तो क्या करता है किसी वजह से, बिना वजह से वाइफ से झगड़ा कर लेगा, राइट। तो 4 दिन तक नो मैटर वो उसको खोजेगी, राइट, बिकॉज उसका 4 दिन रिफ्रैक्टरी पीरियड है, राइट। वो अपने काम में लगी हुई है, लेकिन 5वां दिन खोजेगी, राइट, और बहुत बेतहाशा ढंग से खोजेगी 5वां दिन, इसी में लागू होता है। अब देखो, अब बेचारा मान लो 4 दिन रिफ्रैक्टिव पीरियड है, सोच के प्लान करके गए थे और वहां जहां जब पहुंचे तो देखे कि जो है वो उनका सेमिनार या कॉन्फ्रेंस था वो कैंसिल हो गया, तो अब क्या करेंगे, अब लाएंगे तो फिर भाई काम तो चल नहीं सकता है। तो फिर वो जब वहां से लौट के आए तो कुछ स्पेशल गिफ्ट लेके आए, स्पेशल गिफ्ट लेके आए और दूसरे दिन लौट आए और स्पेशल गिफ्ट लेके आए और आके उन्होंने दिखाया, तो देखी कही आह कितना बढ़िया जो है, मतलब उन्होंने कहा कितना सुंदर नेकलेस है, देखो इसे, तो देखी व्हाट अ बैड पीस दिस इज, लेके रख ली, कोई रिएक्शन नहीं। इसका मतलब क्या है, दैट वो एक दिन के बाद जो लौटे थे वो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड टाइमिंग है, राइट। लेकिन अगर वो तीसरा दिन लौट रहे हैं, राइट, तीसरा दिन लौट रहे हैं, तो उन्होंने उसे नेकलेस को दे दिया और नेकलेस को उसने देखा और उसके बाद ईच एंड एवरीथिंग नॉर्मल हो गया, यानी तीसरा दिन उसका क्या था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड था। तो 1 to 2 डे एब्सोल्यूट था और 2 to 4 डे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड था। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में कुछ भी वो कर ले वो बात नहीं करेगी, लेकिन 3 से 4 दिन में कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दे दे तो बात करेगी, ईच एंड एवरीथिंग नॉर्मल होगा। सिमिलरली ये लागू होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में न्यूरॉन को कुछ भी ट्रीटमेंट दे दिया जाए न्यूरॉन जो है एक्शन नहीं करेगा, लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए तो न्यूरॉन जो है वो एक्शन करेगा। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, इज इट क्लियर और क्लियर? यस सर। आगे की कहानी फिर देखते हैं, ये कहां गया आगे, यहां कहां से बढ़ाया जाएगा, ब्रेक करते हैं सर, बंद कर लो,
पीन वाला कहीं ओपन है और इसमें पीन है, राइट। चलो अब देखो एक समझने की कोशिश करो, देखो ये न्यूरॉन है, लेट अस सपोज दैट ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन है तो इसको कहा जाता है, ये कहा जाता है दिस इज कॉल्ड प्री सिनेप्स,
और ये जो कहा जाता है पोस्ट सिनाप्स, और ये जो दोनों के बीच में जो दूरी है ना, इस दूरी को कहा जाता है साइनाप्टिक क्लैप्स, और ये तीनों को अगर मिला दिया जाए इसको कहा जाता है साइनाप्स। क्लियर क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, अब देखो होता क्या है, यहां पर जो है एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेट करते हुए टर्मिनल पर पहुंचा प्री सिनाप्स, राइट, प्रोपगेट करते हुए प्री सिनाप्स पर पहुंचा, और प्री सिनाप्स पर यहां पर प्री सिनाप्स पर ये देखो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल होता है। प्री सिनाप्स पर वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल होता है, तो जब क्या होगा यहां पर एक्शन पोटेंशियल पहुंचा तो क्या होगा, ये वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुलेगा कि बंद होगा, ओपन हो जाएगा। ये वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन होने की वजह से यहां पर बाहर में कैल्शियम के कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो कैल्शियम का एंट्री भीतर होता है, राइट। यहां पर मैकेनिज्म है, मैं थोड़ा सा बोलूंगा, ये अभी क्योंकि मास्टर स्तर पर तुम लोग को बताना या कभी किसी चीज से बताना, इस कैल्शियम का एंट्री जो है यहाँ देखो ये कहलाता है वेसिकल, और ये लोडेड होता है किससे, न्यूरोट्रांसमीटर से, राइट। और यहां पर जो है ये स्केलेटल प्रोटीन होता है, स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो एक तरह से पका हुआ होता है, गुत्थम गुत्थम किया हुआ होता है, और यहां पर एक प्रोटीन रेटिन नेम सिनेप्सिन जिसको कहते हैं सिनेप्सिन नेम है, वो जो है इसको यहां पकड़ा हुआ होता है जिसके वजह से वो मूव नहीं कर पाता, कैनॉट मूव, राइट। तो जैसे ही कैल्शियम का एंट्री भीतर होगा, कैल्शियम जो है वो क्या करता है, कैंप काइनेज 2 को एक्टिवेट कर दिया, और कैंप काइनेज 2 जो है वो साइनेप्सिन को फॉस्फोराइलेट कर देता है, फॉस्फोराइलेट करने का मतलब उसको फॉस्फोरस जोड़ देता है। अब जैसे ही ये साइनेप्सिन फॉस्फोराइलेटेड हो जाता है, उसका जो अटैचमेंट था, जो एंकरेज था, वो खुल जाएगा और इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जिसकी बात है, जिसमें साइनेप्रोटेक्टिन है, साइनेप्रोब्रेबिन है, स्नैप 25 है, ये बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, सिंटैक्सिन है, ये सारे रोल प्ले करते हैं, और फाइनली एक क्वाइल मूवमेंट कहा जाता है, क्वाइल मूवमेंट होता है, और यहाँ पर प्री सिनेप्स पर इसका डॉकिंग होगा और ये खुल जाता है, और यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है, यहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है। क्लियर और नॉट क्लियर? व्हाट आई एम सेइंग दैट सी दैट एक्शन पोटेंशियल ड्यू टू दिस वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन, एंट्री ऑफ कैल्शियम एक्टिवेट, कैंप काइनेज 2 फॉस्फोरिलेट साइनेप्सिस, ड्यू टू दिस वेसिकल रिलीज्ड, then there is a coiled, what ये लिख लेना, coiled movement, इतना लिख दोगे तो coiled movement due to action of various proteins available at presynapse, right, and that's why there is docking of this vesicle here and release of न्यूरोट्रांसमीटर का साइनेप्टिक क्लैप पर रिलीज हो जाता है। देखो ये पोस्ट सिनेप्स है, मतलब दूसरे न्यूरॉन का जो है वो स्पाइन है, मतलब डेंड्राइटिक स्ट्रक्चर है, राइट, और वहां पर एक चैनल होगा, ये चैनल है, इस चैनल का नाम है दैट लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल। यहां तो टच तुमने कर दिया लेकिन भीतर में टच कहां से होगा, वहां पर और लिगेंड गेटेड मान लो लेट अस सपोज दैट ये एसिटाइल कोलीन या न्यू कोई एसिटाइल कोलीन एक न्यूरो ट्रांसमीटर का नाम है, तो ये एसिटाइल कोलीन है और ये एसिटाइल कोलीन आके यहां अटैच कर दिया,
जैसे ही एसिटाइलकोलीन अटैच होगा ये कोलीनेटेड सोडियम चैनल खुलेगा और सोडियम का एंट्री भीतर होगा क्योंकि यहां पर बाहर में सोडियम ज्यादा है। अब जब सोडियम का एंट्री जब भीतर होगा तो क्या होगा, यहां पर दूसरा चैनल है, यहां पर दूसरा चैनल है, इस चैनल का नाम क्या है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। सोडियम का एंट्री होने का सिंपल सा मतलब है कि यह थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर इसको पहुंचाया और जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर यह पहुंचा यह वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन और देखो यहां से मिलियंस ऑफ सोडियम कमिंग इनसाइड। फिर जो है वही डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, हाइपोपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल, प्रोपगेशन, राइट। अब देखो इसमें कहानी फिर होता है, अब होता है, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मोड में हम लोग आए हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं इंटरेस्टिंग मोड में। अब देखो ये देखो समझ, ये कार्टून डायग्राम है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ये एक न्यूरॉन है, दैट इज न्यूरॉन वन, राइट, ये एक्सॉन और ये डेंड्राइट, राइट, डेंड्राइट, दिस इज न्यूरॉन वन, राइट, राइट। फिर अगेन हियर, अगेन हियर दिस इज न्यूरॉन टू, दिस इज न्यूरॉन टू, राइट, एंड लेट अस सपोज दैट दिस इज समवट डेंड्राइट, राइट, dendrite, and here this is axon, this is axon, clear? And then again here let us suppose that this is neuron 3, this is neuron 3, right, or here this is dendrite, 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 and this is reaching in the brain, brain, right, and neuron 1, here see that, neuron 1, here see that, neuron 1, and here this is, let us suppose that tumhari ungli, right, tumhari ungli, यहां तुमने टच किया, टिक, देखो यार टच किया, टच किया, टच करने से सबसे पहले क्या हुआ, लीकेड गेटेड सोडियम चैनल ओपन, सोडियम इनर का, देन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, यानी देयर इज अ प्रोपगेशन ऑफ व्हाट, एक्शन पोटेंशियल, प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, राइट, और प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल होने की वजह से यहां देयर इज अ रिलीज ऑफ अ न्यू, दैट्स न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर 1, ये न्यूरोट्रांसमीटर 1 है, लेट अस सपोज दैट एसिटाइलकोलीन हो सकता है, गाबा हो सकता है, ग्लूटामेट हो सकता है, इसी बात हम नहीं कर रहे हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर 1 है, तो न्यूरोट्रांसमीटर 1 यहां पर रिलीज हुआ और यहां पर इसका और लेकिन दूसरा में देखो यहां पर ये जो है ये क्या है, ये तुम्हारा चैनल है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर 1 गेटेड सोडियम चैनल, न्यूरोट्रांसमीटर 1 गेटेड सोडियम चैनल, तो यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर 1 गेटेड सोडियम चैनल ओपन होगा, और ओपन होगा सोडियम का एंट्री इनसाइड, देन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होगा, सोडियम का एंट्री इनसाइड, वही पोटेशियम का एक्शन, सोडियम का एक्शन, और जिसके वजह से देयर इज प्रोपगेशन ऑफ व्हाट, एक्शन पोटेंशियल, और फाइनली एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेट होते हुए यहां आएगा और देयर इज अ रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हियर। तो ये क्या हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर 2, न्यूरोट्रांसमीटर 2, और न्यूरोट्रांसमीटर 2 जब यहां पर पहुंचा तो सी दैट न्यूरोट्रांसमीटर 2 जब यहां पहुंचा, यहां पर देखो एक ये चैनल है, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर 2 गेटेड सोडियम चैनल, तो न्यूरोट्रांसमीटर 2 गेटेड सोडियम चैनल, सोडियम का एंट्री हुआ,
राइट। और जब सोडियम लेंथ की बीच करूंगा तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुला, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुला और एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेट हुआ। और सी दैट एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेट होते हुए ये न्यूरोट्रांसमीटर ये जो है फाइनली ब्रेन में आती है और ब्रेन में इसका एक्शन होता है। राइट, इसको हम लोग हायर स्टैंडर्ड पे पढ़ेंगे क्योंकि ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना जरूरी है और न्यूरोट्रांसमीटर का रेशियो होता है। अगर फ्रैक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर का रेशियो इधर उधर हो गया, फ्रैक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर का, तो मेंटल बीमारी हो जाएगा। सी दैट कितना इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन में अगर थोड़ा सा भी नैनो मोल में भी जो है अगर न्यूरोट्रांसमीटर का कोई किसी न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल इधर उधर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। राइट, और कई तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक्साइटेटरी भी है, इनहिबिटरी भी है। अब यहां पर सोचो यहां न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, राइट, एक और एक न्यूरॉन था और वहां से आके यहां पर भी न्यूरोट्रांसमीटर जो है रिलीज कर रहा है, एक और एक न्यूरॉन था और यहां से यहां आके फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है और ये होता है। तो ये पूरा पूरा डिपेंड करता है कि किसका रिसेप्टर स्ट्रॉन्ग है। जिसका रिसेप्टर स्ट्रॉन्ग होगा परमिनेशन कॉम्बिनेशन के आधार पर उसी का एक्शन आगे प्रोपगेट होगा। राइट, हो सकता है कि वन नंबर जो है वो एक्साइटेटरी हो और दो नंबर क्या है इनहिबिटरी हो, तीन नंबर क्या है इनहिबिटरी हो। तो प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर डिसाइड फॉर द मोड ऑफ एक्शन। क्लियर और क्लियर, इस तरह से जो प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल और प्रोपगेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो होता है हमारे ब्रेन तक, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू द ब्रेन। क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर सर। अब इसको आपको जाके पढ़िएगा, समझिएगा, नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में फिर इसको हम देखते हैं आगे। ठीक है, इसमें हमारे ख्याल से आप लोगों को न्यूरोट्रांसमीटर भी जानना चाहिए और रिसेप्टर भी जानना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। हालांकि ऑलरेडी हमारे वीडियो में रिसेप्टर और न्यूरोट्रांसमीटर का होगा, देख के जो है थोड़ा देख लेना उसको, उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। फिर वो तुम्हारे पीएचडी वालों को पढ़ाया होगा, तुम लोगों को कितना बताना है ये तुम्हें जानना चाहिए। राइट,